चलते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर विस्तार से। वाराणसी में कछवा थाना अंतर्गत कछवा आदर्श नगर पंचायत श्री राम सेवा समिति के तत्वाधान में हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्वक रामनवमी के अवसर पर कछवा के कश्यप कुंड दुर्गा मंदिर देवी जागरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुंबई के कलाकारों ने देवी गीतों पर जमकर धमाल मचाया। जिला पंचायत सदस्य अनुराग सिंह पंकज ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मेला समारोह में आए समस्त क्षेत्रवासियों नगरवासियों राम उत्सव मनाते हुए सम्मिलित हुए। कछवा थाना अंतर्गत मनोज सिंह मैप फोर्स के साथ सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहे और विनोद दुबे व नगर पंचायत कछवा में जुलूस के साथ जिला पंचायत सदस्य अनुराग सिंह और चेयरमैन पंधारी यादव उपाध्याय राजू गुरु सुरेश ठेकेदार पवन उपाध्याय मनोज सिंह मुरारी सिंह विवेक सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। वाराणसी से हमारे संवाददाता बड़े लाल शुक्ला की रिपोर्ट। ये कौन सा जगह है? कछवा बाजार। अच्छा, ये बताइए, ये रामनवमी का पर्व जो हर साल मनाया जाता है, ये राम लक्ष्मण जी की यही झांकियों के निकाली जाती है? हर साल निकलता है, हर साल की बात निकलता है, हर साल। ठीक ठीक, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। मिर्जापुर जिले का प्रसिद्ध एवं दार्शनिक स्थल गड़बड़ा धाम में नवरात्र के अष्टमी उपरांत नवमी पर्व पर शनिवार को 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने शीश नवाया और माँ शीतला का भव्य रूप देखा। इस दौरान पूरे दिन घंटा घड़ियाल के बीच माँ के उद्घोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। वहीं ढोल बाजे के साथ कुमारी कन्याओं के सिर पर जौ की तैयार जवारियों को लेकर माता के दर्शन करने के बाद सेवटी नदी में विसर्जन करने का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान महिलाएं रोट लपसी नारियल प्रसाद के रूप में चढ़ाकर अपनी मन्नतें पूरी की। मिर्जापुर से हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। ये माता रानी गड़बड़ा देवी का मंदिर है, मिर्जापुर से 60 किलोमीटर दूर से ब्राह्मणगंज के पास में पड़ती हैं। यहाँ आप सब देख सकते हैं कि शासन प्रशासन भी लगी हुई है 9 दिन से। अब आइए हम यहाँ के पंडा जी से कुछ बात करते हैं, यहाँ के श्रद्धा के बारे में पूछते हैं उनसे। आप अपना नाम बताइए सर। हमारा नाम राधेश्याम मिश्रा, ये जिला मिर्जापुर माँ गड़बड़ा धाम स्थल जो है पड़ता है। यहाँ बहुत काफी दूर दूर से यात्रियों के आते हैं और जो भी लोग मनोकामना अपना आयोजन लेके आते हैं माँ के द्वार से, वो कभी खाली वापस नहीं जाते हैं। माँ उसे अवश्य देती है, क्या की नहीं होना चाहिए भावना के प्रति कुछ यहाँ माँ देती है। माँ बड़े दयालु है और हमारे माँ के जलों में सबसे बड़ी विशेषता है, हमारे माँ के जो है जल किसी भी प्रकार का ऐसा भी चेचक हो, उस चेचक के पास अगर हमारे माँ का जल हो जाए तो चेचक को तुरंत तला देता है। कितने भी दूर दूर से आते हैं माँ का यहाँ से जल लेके जाते हैं और उनको जो है तुरंत माँ के कृपा से आराम मिल जाता है। ये हमारे माँ के गर्भा जलों में कितने प्रभाव दे सकते हैं और हमारे माँ की महिमा और हमारे माँ की कला धाम है।
आए हुए मेरे सुविधा स्वागत है, समस्त ग्राम वासियों का मेले में आए हुए साथियों का हार्दिक स्वागत है। मतलब मेले की व्यवस्था ठीक ठाक है, मंदिर की व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है, सारे सारे कर्मचारी कर्मचारी हमारे लगे हुए हैं, जो देश के लिए योजनाएं चलाई है उससे जनता बहुत खुश है। युवा नेता बाहुबली संजय उपाध्याय, विश्वनाथ उपाध्याय और लोगों से बात करते वाराणसी से हमारे संवाददाता सोनू यादव। थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्तालाप करते हुए यहाँ पे बहुत सारे नरेंद्र मोदी वो काम अच्छे करते हैं, उनके पिछले 5 वर्ष में जो काम किए हैं उतने उसके पहले इतना सब नेता प्रता है कोई कुछ काम नहीं किया है। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं हमारे हर इलाके में जो हाईवे रोड बन गया और औरत लोग को गैस सिलेंडर महत सुविधा उनके आने पर हुआ है, गैस भी उनके कार्यकाल में मिला, उन्हीं के राज में औरतों को सम्मान बढ़ा हुआ है, जो भ्रष्टाचार अत्याचार बंद हो गया है नरेंद्र मोदी की सरकार में। हमारा नाम विश्वनाथ उपाध्याय है जी, और राजवाड़ी गांव सभा के अंदर हमारा घर है और बंधना खुर्द में
जी इस बार सांसद वाराणसी से कौन होने वाला है? ये इस बार डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ये सांसद होंगे। जी जी मतलब वही मतलब इस बार सांसद रहेंगे। इस बार वही वो हम लोग उनको जिताएंगे। जिताएंगे? हाँ जी सर। आपको कुछ किए हैं? हाँ हमारे लिए कुछ करने की बात नहीं है जी, ये सारे देश की बात है। प्रधानमंत्री उनको बनाएंगे? हाँ उनको बनाएंगे। और ये मोदी जी तो ये तो रवे करेंगे और हमारे सांसद रहेंगे। महेंद्रनाथ पांडे जी 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 बोला था जो महेंद्र पांडे जी हैं वो कितने अच्छे वो भी बहुत अच्छा काम किए हैं। वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अच्छा काम किए हैं और बहुत अच्छा काम किए हैं। बहुत अच्छे काम जी हाँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। सब लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही जी रहेंगे। प्रयागराज जनपद के थाना सरायमरेज में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज, पुलिस अधीक्षक गंगापाल व क्षेत्राधिकारी भंडिया के दिशा निर्देशन में चलाए जा रहे चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन व तलाश वांछित वारंटी में सरायमरेज पुलिस द्वारा बरना नदी के पास मुखबिर की सूचना पर दो नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में कुटुन गुप्ता व मुन्ना लाल पटेल है। दोनों ही निवासी फूलपुर के हैं। इनके पास से 2.5 किलो गांजा व एक गुफ्ती नुमा चाकू बरामद व अन्य सामान बरामद हुए हैं। ये SHO पंकज तिवारी व उनकी पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए। प्रयागराज से हमारे संवाददाता रामू सिंह की रिपोर्ट। गिरफ्तार हुए हैं LDPA सेट में और 4/25 आम सेट में, 3/25 आम सेट में। कुटुन गुप्ता और मुन्नालाल पटेल नाम के दो व्यक्ति हैं। ये फूलपुर के दोनों रहने वाले हैं। दोनों के पास से 2.5 किलो गांजा बरामद हुआ है और एक के पास से गुप्ती नुमा चाकू, दूसरे के पास से तमंचा और चिंता कारतूस। इसमें भी आवश्यकता के हिसाब से NDPA सेट में अच्छा काम हुआ है, इसलिए थानाधर्शी टीम को 15,000 रुपये इनाम की घोषणा। प्रयागराज में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लंबी लाइन में खड़े हैं लोग। इस मंदिर में लोग केवल प्रयागराज से ही नहीं बल्कि बाहर से भी देवी जी के दर्शन के लिए आते हैं। यह प्रयागराज का एक प्रसिद्ध मंदिर है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता रामू सिंह की ये रिपोर्ट। अनुष्ठान एवं माता जी की भक्ति संगीत की संज्ञा होती है और लोग लगातार संज्ञा का कार्यक्रम अलग अलग आस्था है। खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।